नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे की 3 खबरों में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कांग्रेस की सियासत में ये कोई पहला मौका नहीं है जब चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टी को अपने ही घर के दिग्गज नेताओं के साथ जूझना पड़ रहा है। पिछले साल बिहार चुनाव से ठीक पहले G23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष और संगठन के चुनाव कराने की मांग उठाई थी, जिसके बाद सियासी भूचाल आ गया था। और वहीं अब बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में G23 नेताओं में से 8 नेताओं ने जम्मू में बैठक करके साफ करके कहा है कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पार्टी के मौजूदा हालात उनको मंजूर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में G23 नेताओं की बैठक की टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल गुलाम नबी आजाद समेत G23 के 8 नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन में भगवा पगड़ी पहनकर एक तरह से नई हलचल पैदा कर दी है। गुलाम नबी के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, राज बब्बर, मनीष तिवारी, विवेक तनखा समेत तमाम नेता उसमें शामिल हुए। गांधी ग्लोबल के इस मंच पर सोनिया और राहुल गांधी की तस्वीरें पूरी तरीके से नदारद थीं। तो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये महज संयोग नहीं था, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत गांधी परिवार के खिलाफ संकेत है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का मुद्दा उठकर सोनिया की आंखों की किरकिरी बनने वाले आजाद ने अपने समर्थकों के साथ शनिवार को जम्मू से सोनिया राहुल के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। गांधी ग्लोबल फैमिली की ओर से आयोजित शांति सम्मेलन में कांग्रेस के लगातार कमजोर होने की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। खुलेआम कहा गया कि वो हैं ये जो कांग्रेस के कमजोर होने की बातें लगातार कह रहे हैं। सम्मेलन में मंच से ये भी कहा गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी आजाद की तारीफ कर सकते हैं तो पार्टी को उनके अनुभवों का लाभ लेने में परहेज क्या है। आप रिजर्वेशन के बगैर नहीं आते, रिजर्वेशन के बगैर हैं तो उन पर जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जो आप रिजर्वेशन में चुन के आते हो, आपकी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो उस रिजर्वेशन के प्रति, क्योंकि उसकी वजह से आप आए हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी कश्मीरी का काम मत करो, आप किसी हिंदू या सिख का मत करो, वो करो, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं है, ये भी। और हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी पर। राघवेंद्र जी, सब देख रहे हैं G23 नेता लगातार जम्मू में जुटे हुए हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस की अंतरकलह निकलकर सामने आई है। अब कहा यह जा रहा है कि ये कोई सोची समझी रणनीति है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं किसी अन्य दल की सोची समझी रणनीति नहीं है, वास्तविकता तो ये है कांग्रेस जो है खुद कांग्रेस को खाए जा रही है। इतने लंबे समय से 1947 के बाद से एक परिवार ने कांग्रेस पर शासन किया, 90% राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी परिवार के हुए और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री उसी परिवार के हुए। जितने में निर्णय होते हैं एक परिवार लेता है, इसलिए वर्तमान में जब कहा जाता है जब घर भरा होता है तो चूहा भी शासन कर लेता है और जब घर खाली होता है तो उस समय शासन करने के लिए थोड़ा सा कठिनाई होती है। वास्तविकता ये है जिस प्रकार से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी हस्तांतरण कर रही हैं, बार बार कांग्रेस के अंदर से बात निकल रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अन्य नाम आए, बार बार घूम के उनकी के परिवार का नाम आ जाता है, बार बार घूम के जो निर्णय होते हैं वो दो परिवार लेते हैं। अभी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई, इसी प्रकार की बात निकल के आई। वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम लोगों को लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे आक्रमण से बचना चाहिए। राहुल गांधी ने क्या, हम राहुल गांधी का बयान ये था क्या, हम नरेंद्र मोदी से डरते हैं? ये क्या बयान है? ये बयान ये दर्शाता है कि राजनीति में इतने लंबा समय बीत जाने के बाद भी ये राहुल गांधी अभी भी परिपक्व राजनेता नहीं हुए हैं। वास्तविकता ये है कि आज की तारीख में कांग्रेस ही कांग्रेस को खा कर रही है। अंतर कलह का जो विषय है उसमें जो राहुल गांधी है और उनका जो अन्य जो तबका है, भगवा पगड़ी का मतलब क्या है? भगवा पगड़ी का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो सिर्फ बीजेपी में ही देखने को मिलती है, इसके संकेत क्या है? देखिए, ये विषय तो हमसे बेहतर राहुल गांधी बता सकते हैं। भगवा का तात्पर्य भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना मुझे लग रहा है ये सही नहीं है। भगवा का तात्पर्य
हिंदुत्व से तो जोड़ा जा सकता है, इसे भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संगठन है, अगर इसे हम विश्व हिंदू परिषद से जोड़ना चाहें तो हिंदुत्व हिंदुत्व का ठेका सिर्फ बीजेपी के पास थोड़ी है, हिंदुत्व तो कोई भी कह सकता अपने आप को। हाँ नहीं नहीं नहीं, बीजेपी से हम बात ही क्या करें, हम कब कह रहे हैं कि बीजेपी भगवा पकड़ी का मतलब बीजेपी है, मैंने अपने बयान में कहा भगवा का मतलब बीजेपी कतई नहीं है भाई, भगवा का मतलब तो हिंदुत्व से जोड़िए तो वो ज्यादा उचित रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का तात्पर्य भगवे से कतई नहीं है, ये भ्रमत वाली है। अन्य अन्य दलों के लगातार साजिश के संकेत लगाए जा रहे हैं, कौन दल वो हो सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा अन्य दल नहीं है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ही कांग्रेस को खाई जा रहे हैं, ये अपने गरेवान में झाक के देखिए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी देखें, ये इतने लंबे समय तक किस तरीके से शासन कर रही है, किस तरीके से संगठन चला रही है, तो अंतर जो है तो स्वाभाविक है, इस प्रकार की गतिविधियां जब किसी भी संगठन में होती है, जब पानी रुक जाता है तो पानी सड़ने लगता है। इसमें ठीक है, हमारे साथ केवल ढिंगरा कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार ढिंगरा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए जो अंतरकलह कांग्रेस में निकल कर सामने आई इसका मतलब क्या है, क्योंकि गलत संदेश नकारात्मक संदेश जा रहा है। नहीं ये गलत तथ्य है, कोई नकारात्मक नहीं जा रहा, कांग्रेस के अंदर मंथन होते रहते हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी है, भाजपा की तरह नहीं है ना, कांग्रेस एक डेमोक्रेसी पार्टी है, हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार होता है, और ये इस तरह से नहीं है कि दो आदमी जो है सारी बीजेपी का गला दबा दें, जिस तरह से हम दो हमारे दो कर रहे हैं, इस तरह से नहीं है ना पार्टी, डेमोक्रेटिक है, इसके अंदर सिर्फ उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, सिर्फ केवल जी सिर्फ उन्होंने आवाज नहीं उठाई है, कांग्रेस की कमजोरियों को भी बताया, और ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, बिहार चुनाव के समय भी ऐसा हो चुका है जब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी। तो अच्छी बात है ना, अगर कोई किसी को कमजोरी बताता है तभी वो बंदा सुदृढ़ होता है, अगर बड़ा करना है पार्टी को तो कांग्रेस के लोगों को आवाज उठा के ही बड़ा करना पड़ेगा पार्टी को। आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां इसका फायदा उठा सकती हैं? कैसे उठाएगी हमारा फायदा, हमारा फायदा 70 साल में ये कोई नहीं उठा पाया, अब कैसे उठा लेंगे? भगवा पगड़ी का संदेश क्या है? देखिए ऐसा है, जो लोग अपनी बात कर रहे हैं वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, वो पार्टी के डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो अपनी आवाज बुलंद करके कांग्रेस पार्टी के अंदर भी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आवाज बुलंद तो सभी पार्टियों में हो जाती है, आवाज बुलंद तो लगभग सभी नेता कर लेते हैं। आप बताइए ना प्रज्ञा ठाकुर की आवाज क्या थी, किसको किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई आज तक, आप बताइए सेंगर के खिलाफ क्या कार्रवाई की इन्होंने, आप बताइए जो स्वामी जी थे जिन जो बलात्कारी थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई अब तक, आप बताइए दीप सिद्धू जैसे जो कार्रवाई कर रहे हैं राघवेंद्र जी के खिलाफ क्या सिस्टम है बीजेपी का, इनको भी तो बताना चाहिए अपनी पार्टी में। राघवेंद्र जी आवाज उठाने का हक है सबको कांग्रेस में, आपकी पार्टी में दबा दिया जाता है आवाज को। अभी ये हमारे मित्र कह रहे थे लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के सपने देख सकता है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता विधायक सांसद सब सपने तो कोई भी देख सकता है, सपने तो कोई भी देख सकता है। हाँ भारतीय जनता पार्टी में देख सकता है, क्या ये व्यवस्था कांग्रेस में है? सर भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सपने तो कोई आम आदमी भी देख सकता है, कांग्रेस नेता भी देख सकते हैं। कांग्रेस में नेता नहीं देख सकते काजल जी, कांग्रेस में कितने जो प्रधानमंत्री हुए हैं जो नेहरू गांधी परिवार से हटके हुए हैं, कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं गांधी नेहरू परिवार से हटके हुए, एक्सीडेंटली प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए थे, सोनिया गांधी बनने जा रही थी राष्ट्रपति जी ने मना कर दिया, इसलिए उनको ऐसा पवित्र प्रधानमंत्री चाहिए था तो मनमोहन सिंह की लाठी लग गई। सबसे ज्यादा नेहरू गांधी परिवार को कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को नेहरू गांधी परिवार चला रही है और चलाती रही है। अगर वो परिवार के जरिए चलाएं या पार्टी के जरिए चलाएं आपको क्या दिक्कत है? अरे हमें क्यों नहीं दिक्कत है, मैं भी क्या मेरा अधिकार नहीं है देश में, क्या देश का मैं सामान्य व्यक्ति के नाते भी क्यों नहीं है, ऐसा है कोई लोकतांत्रिक कोई प्रक्रिया होती है क्या परिवार संगठन चलाता है? केवल ढिंगरा जी एक पार्टी को परिवार के अंदर क्यों समेट के रख दिया है, पार्टी ही परिवार और परिवार ही पार्टी। मैम मैंने आपसे सवाल पूछे थे कि इन्होंने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ क्या सोचा, सेंगर के खिलाफ क्या सोचा, सजा मिली ना, सजा तो मिली थी, ये दूसरे के ऊपर उंगली करते हैं, इनकी अपनी धारणा क्या है, सजा मिली है वो दी है पुलिस ने, सजा दी है न्यायालय ने, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? अगर प्रज्ञा ठाकुर बोलती है तो आप बताइए पार्टी ने कोई कार्रवाई की है उसके ऊपर? प्रज्ञा ठाकुर में क्या मतलब है भाई? तो नहीं है व्यवस्था का काम क्यों नहीं है,
प्रज्ञा ठाकुर के आपके आप उसमें हमें बोलने का अधिकार नहीं है क्या? प्रज्ञा ठाकुर किसी की जुडिशरी होती है, कांग्रेस नहीं बोल सकती उसके खिलाफ। जब कोई अपराध करता है जुडिशरी में जाता है, इसे भारतीय जनता पार्टी क्या करे? राघवेंद्र जी, अगर आप कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा सकते हैं, पार्टी को परिवार की बता सकते हैं, तो सवाल वो भी पूछ सकते हैं ना? नहीं, सवाल ये पूछ सकती है, लेकिन बेसिरपार का सवाल क्या? जुडिशरी का विषय भारतीय जनता पार्टी जवाब क्या दे? न्याय व्यवस्था की जवाब ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं आ रहा शायद। भाई, अगर कोई आपराधिक गतिविधियां करता है तो उसके लिए न्याय व्यवस्था है, उसका निर्णय न्याय व्यवस्था करती है, भारतीय जनता अपने अंदर झांके बीजेपी। भाई देखिए, आप जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दोनों 5,000 करोड़ के घपले पर है, मैंने वो बात तो नहीं उठाई। भाई ये बताइए, ये जुडिशरी की बात होती है इस विषय? भाई सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक 5,000 करोड़ के घपले पर है, जमानत पर। अरे भाई साहब, आप अपने अंदर झांकिए, घपले 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 करते हुए सारा देश बेच दिया आपने। अरे आप बताइए, आप लोगों सारा देश बेच दिया घपले घपले करते। कोई हफ्ता नहीं जाता था, आज BSNL बिक रहा है, रेलवे बिक रहा है, आज बस क्या रहा है? सारा देश बेचने की बात कर रहे हो, बैंकों का एक करके बोलिए, आवाज नहीं आई है। करने की बात कर रहे हो, विषय में हो गए हो। आप इनसे सवाल पूछे, भाषण दे जा रहे हैं। एक एक करके बोलिए, एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए, ऐसे दोनों साथ में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। बोलिए। देखिए ऐसा है, इन्होंने आज तक सारा जो चीज है वो बेचने पे लगा दी, सारा देश बेचने पे लगा दिया। जितने PSU हमारे देश में बनाए गए थे 70 सालों में, उनको बेचने लगी हुई है पार्टी। उनके खिलाफ आवाज उठती नहीं, क्योंकि क्योंकि असल में ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, दो आदमियों की सरकार है, इनके बीच में किसी आदमी को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आदमी बोलता है, राघवेंद्र जी जवाब दीजिए, आप उन राघवेंद्र जी अब जवाब दीजिए, आप उनको कहते हैं कि वो पार्टी जो है परिवार की पार्टी, अब वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ दो लोगों की पार्टी है, बीजेपी को वो ये बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या भाई, दुनिया जानती है नेहरू गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस को कोई नहीं चला रहा है। हमारे यहाँ सिस्टम होता है, हमारे यहाँ अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं बता सकता है। हमारे यहाँ जितने भी प्रधान अटल जी से लेकर के आपके मोदी प्रधानमंत्री हुए, इन्होंने बचपन में भी सपना नहीं देखा होगा, जितने भी मुख्यमंत्री हुए वो सामान्य परिवार से आते हैं। देखिए, वास्तविकता तो ये है, जब पानी कहीं रुक जाता है तो सड़ने लगता है। वर्तमान में कांग्रेस की वही स्थिति है। एक लंबे समय तक एक बड़ी भारी एक पीढ़ी थी जो कांग्रेस के ऊपर श्रद्धा रखती थी, अब वो पीढ़ी समाप्त हो गई। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की जो अंतर्कलह लगातार निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से सम्मेलन G23 नेताओं का हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई साजिश चल रही है, जिसके संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ममता बनर्जी आज बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती हैं। पहली सूची में 30 उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव की शुरुआत 27 मार्च से हो रही है, जहां पहले चरण में जंगल महल की 30 सीटों पर मतदान होगा। पश्चिम बंगाल के 4 जिले पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मिदनापुर और झाड़ग्राम की गिनती जंगल महल में होती है। आपको यह बता दें कि नक्सल प्रभावित इन जिलों में एससी और एसटी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इन इलाकों में सबसे ज्यादा दबदबा कुर्मी समाज का है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुरुलिया में तो जिस उम्मीद का टाइटल महतो होगा वही चुनाव जीत सकता है। ऐसे में पुरुलिया में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों का सरनेम महतो होता है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जंगल महल में आदिवासी और कुर्मी समाज का वोट प्रतिशत 50 से भी ऊपर है। जंगल महल के 4 जिलों को मिलाकर विधानसभा की लगभग 40 सीटें हैं। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में यहां पर टीएमसी का दबदबा था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने इन 4 जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार जंगल महल ममता के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है और ममता खोई हुई जमीन पाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। और पश्चिम बंगाल में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल की बेटी एक बार फिर से पोस्टर पर लड़ाई शुरू हो गई। आपको यह बता दें कि पोस्टर वार आज से नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार चल रहा है। बीजेपी ने पूरे कोलकाता को पोस्टर से भर दिया है और इस पोस्टर में एक महिला की तस्वीर है जिसके चेहरे सूजे हुए हैं। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या बंगाल की बेटी ये नहीं है, आखिर इसकी पिटाई क्यों हुई है। बीजेपी का आरोप यह है कि उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया और इस हमले में 85 साल की बुजुर्ग मां को भी नहीं छोड़ा गया। हालांकि जिस गोपाल मजूमदार ने टीएमसी पर पिटाई का आरोप लगाया है, उसके भाई गोविंद मजूमदार ने बीजेपी पर ही उसकी मां और भाई पर हमले का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब दोनों पार्टियों में पोस्टर वार शुरू हो चुका है और साथ में जुबानी जंग भी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखेंगे, अवधेश उपाध्याय बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सुमित जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके का घमासान चल रहा है और घमासान अब यह है कि पोस्टर वार पर लड़ाई आ चुकी है, क्या है ये पूरा मामला? क्योंकि कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि कई दिनों से चल रहा है, पता सबको है। उधर से बीजेपी पोस्टर जारी करती है, उसमें 9 महिलाओं के फोटो होते हैं, अब फिर से पोस्टर जारी हो जाता है महिलाओं की पिटाई को लेकर। इस तरीके से चुनाव होगा? नहीं, पोस्टर सारी भारतीय जनता पार्टी की रही है, हमेशा रही है, केवल पोस्टरों के ही जरिए काम कर रही है। धरातल पे कोई काम नहीं कर रहा है, केवल महिलाओं पर पोस्टर लगाना या बड़े बड़े होर्डिंग लगानी है, केवल भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और माननीय दीदी के सामने मैं ये कहता हूँ, एक भी केवल नेत्री इनके पास नहीं है, महिला नेत्री जो ममता दीदी के सामने खड़ी होकर के कहा कि मैं सीएम पद के लिए लड़ रही हूँ आज से, एक भी नहीं है इनके पास, ये केवल पोस्टर। अवधेश उपाध्याय जी, क्या पोस्टर के जरिए बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़े की और कोई मुद्दा नहीं है? इनकी तो मुझे जो बोलने का तरीका है इनका, वो चीज लगी नहीं रहा, ये तो खुद ही डरे हुए हैं, ये दूसरे पर क्या उंगली उठाएंगे। अब ये जो लिस्ट जारी कर रहे हैं, जारी करें ना करें तो पता है नहीं है। अब देश भी अब डरे हुए नहीं है, अब सुनिए, आप लोग खेल, अरे भाई साहब डरे हुए हम नहीं है क्या? तो आप बोल लीजिए फिर, एक एक करके, एक एक करके बोलने दीजिए। सुमित सुमित जी पहले उनसे जवाब ले लेते हैं। देखिए ऐसा काजल जी, इनकी जो पठास है, इनकी जो बौखलाहट है, उसे निकलने दो। ये इनकी बौखलाहट नहीं, नहीं, अभी बौखलाहट निकालने का समय नहीं है, अभी समय नहीं है बौखलाहट निकालने का, वो वक्त आएगा तब देखेंगे। जब ये बीच में बोल बोल के टोक रहे हैं, ये इनकी बौखलाहट ही था और क्या है। इनको ये महसूस हो चुका है कि हमारा जो खूनी सिंहासन में बैठ के जो राजनीति कर रही थी इनकी ममता बनर्जी बंगाल में, वो खूनी सिंहासन गिरने वाला है, अब गिर चुका है। बल्कि बंगाल की जनता अब नहीं चाहती कि फिर से दोबारा से बंगाल की सड़कों पर रक्त बहे। बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है, बंगाल की जनता ये जानती है कि हमारा कौन विकास करेगा, कौन हमारे ऊपर राजनीति करता है, खूनी राजनीति करता है हमारे बंगाल में।
तो बंगाल की जनता इनको जवाब देगी और मुंह तोड़ जवाब देगी। ऐसी ऐसी जगह कुछ नेता तो इनके ऐसे होंगे टीएमसी के जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी। चुल्लू पर पानी नहीं मिलेगा डूबने के लिए बंगाल में। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, लगभग 30 उम्मीदवारों की सूची आज टीएमसी जारी कर सकती है, क्या लग रहा है आपको, कोई संकेत और जंगल महल को लेकर क्या है, क्योंकि हमेशा से जो ये सीट है वो सुर्खियों में रहती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता जी बैठे हुए ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जंगल महल कहाँ पे है। ये अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाके देखिए जंगल महल कहाँ पे है। उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है योगी बाबा के उसमें। तो कहने में और करने में अंतर है। जिस तरीके से ये लोग खेल खेल रहे हैं बंगाल के अंदर, लड़ाई का माहौल बना हुआ है, इन्होंने अपने ही नेता को मारते और टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन्हीं के नेता उन्हीं के भाई लोग कहते हैं नहीं साहब ये बीजेपी ने ही खुद करा है। तो ये लोग खुद पता है इन लोगों को ये क्या काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले बंगाल के अंदर। और हमारी माननीय दीदी ने आज जो लिस्ट जारी कर रही है, हमें सभी वो मालूम है कि जितने लिस्ट जारी करेंगी वो सभी लोग कैंडिडेट विनिंग कैंडिडेट हैं। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, टीएमसी की तरफ से आज लिस्ट जारी हो सकती है 30 उम्मीदवारों की, बीजेपी का क्या है, क्या सोचा है? नहीं, बीजेपी कुछ नहीं सोचा, बीजेपी को तो बंगाल की जनता चाह रही है पूरी तरह से। बंगाल की जनता ने ठान लिया है, बंगाल की जनता ने ठाना है और कमल का फूल खिलाना है। जंगल महल को मत भूलिए, जंगल महल को मत भूलिए, क्योंकि टीएमसी का, क्योंकि टीएमसी का दबदबा था। देखिए वो दबदबा नहीं कहते, वो डर का माहौल था, उसे दबदबा नहीं कहते, वो डराकर राजनीति कर रही थी। पहली बार जनता ने बिठाया, फिर दोबारा बिठाया सत्ता में, लेकिन जनता ने ये देखा कि ये तो हमारे सिर पे चढ़ी जा रही है, हमें मार रही है। हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं, हम पे पथराव किया जाता है, भैया हम क्यों देंगे वोट इसको? अच्छा वो बात छोड़िए, उनके अपने नेता छोड़ के जा रहे हैं, किस मुंह से तो पहली बार वोट मांगने जाएंगे ये लोग? ये बताएंगे नहीं भैया कि हमारे इतने नेता छोड़ गए, क्यों छोड़ गए? इनके जो राइट हैंड समझे जाते थे, इनके जो कद्दावर नेता थे टीएमसी के, जनता पूछेगी नहीं? जनता सब जानती है और जनता इनको जवाब देगी। 2 मई आएगी और ममता दीदी जाएगी। सुमित मेहरोत्रा जी, सुमित मेहरोत्रा जी, जंगल महल दबदबा नहीं, डर है टीएमसी का, ये कोई वो नहीं है, ये लोग कहते हैं कहने दीजिए, हम लोगों को ज्यादा उस पर कुछ नहीं कहना है। जनता तय करेगी आने वाले चुनाव में किसको हमें लेकर के आना है, किसको बाहर भगाना है, ये जनता तय कर चुकी है। ये लोग कितने ही कुछ कर ले वहां पे भारतीय जनता पार्टी वाले, कुछ होने वाला नहीं है इनका। अवधेश उपाध्याय जी, बार बार पोस्टर की बात क्यों हो जाती है, जब एक बार 9 महिलाओं के पोस्टर जारी कर दिए, एक बार फिर से वो पिटाई वाली महिला का पोस्टर जारी करने की क्या जरूरत थी? अगर करनी होती कोई कार्रवाई आप करते ताकि पता चलता लोगों को, हाँ ये कार्रवाई की गई है, इस तरीके से तो एक तरीके की फजीहत है ना। ओपिन और ड्रेस बिकवाएंगे हर दुकानों पे, घरों में ये आलम बना देंगे ये लोग। पोस्टर जारी करने से कुछ होगा? रिपोर्ट होती है उसी के आधार पर तो जनता जानती है कि देश में हो क्या रहा है। इन चीजों को तो आपको ज्यादा पता है, जब वह होता है दिन दहाड़े वहाँ गोलियां मारी जाती हैं, वहाँ की बंगाल की सड़कों को रक्त से लहू लुहान किया जाता है, क्या देश नहीं देख रहा है, बंगाल की जनता नहीं देख रही? ये पोस्टर की बात। अवधेश उपाध्याय जी, टीएमसी का तो ये भी कहना है कि ममता दीदी इतनी सक्षम है, ममता दीदी इतनी मजबूत है कि उनके सामने 9 महिलाओं के पोस्टर बीजेपी को लगाने पड़े, वो ममता दीदी सिर्फ अकेली हैं। कुछ नहीं है अकेली, ये सब इनका आरोप भी राजनीति है। काजल जी मैं आपको, इनको ये पता, इन्हें ये महसूस हो चुका है कि हमारा जो खूनी सिंहासन है जिस पर बैठकर हम खूनी मतलब राजनीति करते थे बंगाल में, वो जाने वाला है। अब इनको बस में कुछ रहा नहीं, ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी वहां पर बहुत जल्दी, और ये फिर जो है चुल्लू पर पानी भी इन्हें डूबने को नहीं मिलेगा बंगाल में। आपने भविष्यवाणी पहले ही कर दी, अभी कहां सरकार बन जाएगी, अभी तो सिर्फ तैयारी चल रही है। अरे बंगाल में गया हूं ना, बंगाल में मैं देखा है, वहां का फीडबैक लिया है ग्राउंड पे, आप जाके लेकिन 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 ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है ना, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए रहा है, आप बताइए, देखो कोई भी जनता होती है एक मौका देती है, 2 मौके देती है, ठीक है, तीसरा मौका जब उसे पता है अगर मैं इसे दोबारा बिठाऊंगी, दोबारा इसे सत्ता में लेकर आते हैं, ठीक है, जिसने हमें मारा पीटा, हमें राम बोलने पर हमें प्रतिबंध लगा दिया, हम राम नहीं बोल सकते, तो भाई देखो तीसरी बार तो जनता खुद समझदार है, जनता पहली 10 साल पुरानी जनता नहीं है, ये 10 साल नई वाली जनता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप दोनों का समय की कमी है मेरे पास, तो 3 बजे की 3 खबरों में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज, नमस्कार। We'll be right back.
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई